ये है यहाँ का काला मटर, जो बहुत ही फेमस है इस घाटी का काला मटर। ये देखो आप, ये आपको मूली लग रही होगी लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मूली नहीं है, इसको बोलते हैं लुई, ठीक है, ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। और यहाँ पर और भी सारे बहुत सारे आपको देखिए, शलगम की भी बहुत सारी वैरायटी है इनके पास, ये देखिए। तो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कोई केमिकल यूज़ ना हो, तो उनके लिए इन्होंने घर पर बनाते हैं। दर्शकों, ला दर्शा फेस्टिवल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी में जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मुझे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस पर, ये शलगम है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है भाई, तो ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गया। और दूसरी बात, ये देखो आप, ये आपको मूली लग रही होगी लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मूली नहीं है, इसको बोलते हैं लुई, और ये मूली की ही वैरायटी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका साइज़ और शेप जो है वो डिफरेंट है, और इसका जो टेस्ट है वो मूली से बहुत डिफरेंट रहता है, टेस्टी बहुत होती है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ दर्शकों, तो ये मूली से जो है ज़्यादा प्राइस में बिकती है भाई, महंगी है थोड़ा। तो बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है एग्रीकल्चर विभाग ने, वो हम बताएँगे कि क्या क्या यहाँ पर है। लेकिन उससे पहले आपको हम अपने स्पॉन्सर के नाम बता देते हैं। हमारे प्राइम स्पॉन्सर हैं श्री हरिहर हॉस्पिटल कुल्लू, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, और साथ ही को स्पॉन्सर है रतन ज्वेलर मोती बाजार मंडी, 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। तो इस तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको गोभी दिख रही हैं, कॉलीफ्लावर दिख रही हैं, और इसके साथ ही ये देखिए ब्रोकली दिख रही है आपको यहाँ पर, और ये फूल गोभी है यहाँ पर, और पत्ता गोभी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी आपको ये आइटम्स दिख रही हैं, जितनी भी आपको यहाँ पर सब्जियाँ दिख रही हैं, ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, और इनमें किसी भी तरीके का कोई भी इसमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया है, पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक खेती की गई है। और इस तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले आपको मटर दिख रहे होंगे, लाहौल के स्पीति घाटी के मटर बहुत फेमस रहते हैं, और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आगे आपको गेहूं दिख रहा होगा, और उसके अलावा जौ है, ये सॉरी गेहूं की तरह ही है, और फिर आगे आपको सौंफ दिख रहा होगा, और उससे आगे जीरा है, और इसके आगे धनिया है, धनिया की भी दो तीन वैरायटी इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर, और आगे सरसों वहाँ दिख रही है, और ये आगे हमारे साथ चेरिंग जी हैं, ये इसके बारे में बताइए, जौ की तरह जो दिख रहा है, सिरमो, सिरमो, हाँ जी हाँ जी, ये जौ की वैरायटी होती है, हाँ जी हाँ जी, जौ की वैरायटी जी, सिरमो, और इसके आगे ये मटर है और जौ है आगे भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी सब्जियाँ हैं, ये देखिए, ये सजाकड़ा जिसको बोलते हैं कद्दू, हरा कद्दू, और ये चेरिंग जी के घर से यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए आया, आप देख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने घर पर खुद उगाया है, और कोई भी इसमें हमने किसी भी तरीके के जो है हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है, हर्बल है पूरी तरीके से, ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। और यहाँ पर और भी सारे बहुत सारे आपको देखिए, शलगम की भी बहुत सारी वैरायटी है इनके पास, ये देखिए ये शलगम है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और इसका कलर थोड़ा सा बैंगनी है, और साथ ही आगे भी यहाँ पर ये भी शलगम ल्यू है, ये सॉरी ये ल्यू है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्याज है, ये सारी चीज़ें, तो ये चुकंदर है, बिल्कुल ये चुकंदर है, और जैसे कि आलू भी यहाँ के बहुत फेमस रहते हैं, तो ये आलू की वैरायटी है, ये देखिए आप लाल आलू है यहाँ पर, ये देखिए लाल आलू है, सफ़ेद आलू है, और एक काला आलू भी यहाँ पर होता है, पर अभी वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसका टमाटर है यहाँ पर लगे हुए, और मटर भी इन्होंने रखे हुए हैं, और ये मैं आपको बताऊँ, ये है यहाँ का काला मटर, जो बहुत ही फेमस है इस घाटी का काला मटर, ये टेस्टी होता है, टेस्टी होता है, हाँ जी हाँ जी। क्या क्या बनाते हैं आप इससे? सद्दू, जरा, हाँ जी, दाल, टेस्टी होता है। मुझे तो मटर का पुलाव बहुत पसंद है। और ये क्या है, इनके बारे में बताइए। ये काला मटर, ये सुआ, सुआ सुआ बोलता है इसको, हाँ जी, जौ ही लग रहे हैं मुझे, हाँ जो सुआ बोलता है, नाम सुआ, सुआ, हाँ जी हमारे नाम सुआ है। ये नंगा जौ, क्या बोला आपने इसको, नंगा जौ, नंगा जौ, हाँ अच्छा, ये भी जौ की वैरायटी है। तो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कोई केमिकल यूज़ ना हो, तो उनके लिए इन्होंने घर पर बनाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे खट्टी लस्सी होगी, इसको भी ये उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और जैसे काऊ यूरिन है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, और जीवा अमृत है, और ये क्या बोला था आपने इसको, खाद, सूखा खाद, ये सूखी खाद है, गोबर से बनी हुई है, तो इसको जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए।
ठीक है जी, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमारी टीम ने एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लादरचा फेस्टिवल पर बनाई है स्पेशली आपके लिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।